हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली लर्निंग चैनल। और आज हम बात करेंगे हम हाइक के स्टिकर्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हाइक के स्टिकर यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको एक हाइक की ऐप डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर से। आप देख सकते हैं मैंने हाइक की ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। हाइक की ऐप ओपन करने के बाद आपको अपनी आईडी से लॉग इन करना पड़ेगा मोबाइल नंबर से। मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद आपको कोई सी भी एक चैट में जाना होगा और वहाँ पे आपको अपने एक फ्रेंड को स्टिकर्स भेजने होंगे। तो स्टिकर्स भेजने के लिए आपको नीचे आपको वेरियस स्टिकर्स के ऑप्शन मिलेंगे और साइड में आपको स्टोर का ऑप्शन भी मिलेगा। तो आप जैसे स्टोर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको मार्केट पे ले जाएगा, स्टिकर्स की मार्केट पे। तो आपको जोन से भी स्टिकर पसंद आए तो आप उन स्टिकर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आप जो ये वाइट वाले स्टिकर्स हैं इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड 46 मोर, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके जैसे ये सारे स्टिकर डाउनलोड हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा आप इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं हाइक के अलावा किसी अदर ऐप में। आप चाहें तो ये स्टिकर शॉप से भी स्टिकर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम रिपब्लिक डे के स्टिकर्स डाउनलोड कर लेते हैं। ये 2.3 MB के स्टिकर्स हैं, आप देख सकते हैं हमारे स्टिकर्स डाउनलोड हो चुके हैं। तो इसके लिए हमारे को सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे ही हमारे स्टिकर्स डाउनलोड हो जाएं उसके बाद आपको अपने फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज में जाना होगा। और वहाँ पे जाने के बाद आपको हाइक का फोल्डर सर्च करना होगा और उसके बाद आपको स्टिकर्स के फोल्डर में जाना होगा। हमने रिपब्लिक डे के स्टिकर्स डाउनलोड करे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपब्लिक डे के स्टिकर्स आ चुके हैं। और नीचे वाले फोल्डर में आपको GIF फाइल आ गई है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट यहाँ से शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, नहीं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सएप स्टेटस वीडियोस में, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्टिकर्स आपको गैलरी में शो नहीं होंगे। अगर आप इन स्टिकर्स को अपनी गैलरी के अंदर देखना चाहते हैं तो आपको इनको सिलेक्ट करके इंटरनल स्टोरेज से मूव करके किसी और फोल्डर के अंदर डालना होगा, या तो फिर आपको इसे डायरेक्ट SD कार्ड में मूव करना होगा। तो जैसे कि मैं इसे अपने एक फोल्डर के अंदर मूव कर देता हूँ। इसके बाद जैसे ही हम अपनी गैलरी खोलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को न्यू फोल्डर में स्टिकर्स आ गए हैं। इसी तरीके से आप डायरेक्ट इसे गैलरी के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।